समाचार में आपका स्वागत है, मैं मुस्कान मलिक। आईपीएल का फीवर उतरा नहीं कि अब हर एक की जुबान पे वर्ल्ड कप ही है। और अगर हम बात करें उन 13 खिलाड़ियों की चयन के बारे में जिनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें ऋषभ पंत को सिलेक्ट नहीं किया गया है। विराट कोहली ने आज इसका खुलासा किया है और बताया है कि आखिर क्यों ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को दी गई है। क्रिकेट के महाकुंभ आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने में गिनती के दिन रह गए हैं। वर्ल्ड कप से पहले टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर दिग्गज खिलाड़ियों में काफी विरोधाभास देखा गया। इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत के वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने जाने पर हुई। गावस्कर से लेकर गांगुली तक सब ने उनके पक्ष में आवाज उठाई। इस बीच टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस बात का खुलासा किया है कि पंत को टीम में जगह क्यों नहीं मिल सकी। वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में इस बात से पर्दा उठाया कि आखिर क्यों दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत पर तरजीह दी गई है। कोहली ने कहा, दिनेश कार्तिक के पास लंबा अनुभव है। अगर टूर्नामेंट के दौरान किसी कारणवश धोनी नहीं खेल पाए तो दिनेश विकेट कीपिंग के लिए बेहतर विकल्प है। कोहली ने आगे कहा कि दिनेश कार्तिक शानदार फिनिशर के तौर अपने खेल को निखारा है। बता दें कि वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में 23 मई तक बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड कप की टीम में महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर के तौर पर पहली पसंद रहे। उनके चयन को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उनके अलावा दिनेश कार्तिक को दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चुना गया। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत का जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।